चलिए अम्मा जी, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण बिहार ना? पूर्वी चंपारण में कहाँ से? मोतिहारी जिला से, मतलब घोड़ा सहन से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए आप शुरू कब किए थे ये सब तीर्थ यात्रा करना? 2008 में। 2008 में कहाँ गई थी पहली बार? पहले जगन्नाथपुरी, बाबा धाम तो कतेक दिन पहले जे गेल रही, बाकी पहले जगन्नाथपुरी। अच्छा। जगन्नाथपुरी से कोणार्क, कोणार्क से जनकपुरी, जनकपुरी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से सोमनाथ। अच्छा। सोमनाथ से तब यहाँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से बला तिरुपति। अच्छा अच्छा। बला तिरुपति से पंपा सरोवर, उसके बाद कर्नाटक में पड़े थी पंपा सरोवर। अच्छा अच्छा, बुझल। आ पंपा सरोवर से किष्किंधा। अच्छा। आ किष्किंधा से तब घरे। मानसरोवर वाला कहानी बताइए कि कब आपके दिमाग में आया था ये बात, कैसे गए थे, पूरा कहानी बताइए। यहाँ से मतलब यहाँ दिल्ली नहीं, पहले क्या किए थे? पासपोर्ट बनवाए थे। पहले पासपोर्ट बनवाई दीघा चौक पर, यहाँ पटना। अच्छा। एक बाद में तो उत्तर प्रदेश में पड़े से अथी ऑफिस। अच्छा। दिल्ली में। हाँ हाँ। गाजियाबाद। हाँ हाँ। तो जंग फार्म भर ली, फार्म भरला के तो कोई मदद किया था अम्मा जी भरने में कि खुद भर ली थी? हमारे पोता कहलाई जे ऐसा ऐसे भर आई थी, अपने भर दे। अच्छा अच्छा, पोता भर दिया था। चलिए, फार्म भरे उसके बाद? ओकरा बाद में तो की कल के जब मोदी सरकार ओहि पर मोहर मारल, हम तो दिगम्बर अखाड़ा से जुड़ल छी। अच्छा अच्छा। यहाँ अयोध्या से मोदी जी का इसमें बहुत योगदान है ना, बहुत सुविधा दिए। मोहर मारल थी, तो मोहर मारला के बाद में तो मोबाइल पर मैसेज गेल, तो मैसेज से की भेलै जे बोलल थिन तो दिन गेल जाई, तो तीन दिन वहाँ रखल। दिल्ली में? दिल्ली में, गाजियाबाद के दिल्ली में। दिल्ली में रख लाई, नई दिल्ली में एकर ऑफिस अथी आई, जांच करे वाला। अच्छा, पूरा शरीर का जांच हुआ? जांच कल के सोन लेखा मशीन द, सोन लेखा। हां बड़का यही बात से ले, वो लड़की कहां ले बॉडी स्कैन किया। अच्छा अच्छा, वही में ठुका दे। हां हां। फिर उन्होंने निकाल दे। जी जी। आ तब वही पर सब लिखा गए, तब बीमारी को न रहे, तब कल को ये जाए। मतलब आप बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सब जांच कर कर। चलिए, जब सब कुछ हो गया, पैसा कितना लगा इसमें आपको? हमारा तो कम है वाला, कितना? 15,000 रुपये। 15,000 में सब हो गया तो चलिए। तो जहाज आप कहाँ से पकड़ी थी फ्लाइट? दिल्ली से। दिल्ली से ना, कितना घंटा लगा आपको जाने में? 5.5 घंटे। 5.5 घंटा, उसके बाद क्या हुआ जब वहाँ उतरी आप? दिल्ली से ले गए तिब्बत में उतार दिल। तिब्बत में? अच्छा। तिब्बत में उतार दल के तो जान सके खियलकई रखलकई, रखला के बाद में वो अपन कपड़ा लत्ता डलकई पहने ला अथी के लोहा वाला सब चीज। अच्छा अच्छा, मतलब भीतर रह कपड़े लेखा, ताकि एको बुनी उनी न पड़े, ठंडा न लगे वही। अच्छा अच्छा। सरकारी सब व्यवस्था, घर से कोई व्यवस्था? तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है इसका, बहुत मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा। लोहा के सब चीज दलकै सब के नहा ओढ़ा के, तब तिब्बत से फेन ले गए, तब जाके फेन की कल की चलिए भैया कल्ला पानी बोलै छै। कल्ला पानी से अति पकड़े गए हेलीकॉप्टर से, परिक्रमा करो हेलीकॉप्टर से। हाँ। कितना देर तक? तो वो कॉफी खान ले करो ले, हम घोरी में कहां टाइम होंगे, मतलब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा? हां, एक घंटा ले करो, एक घंटा करो परिक्रमा, सब तरह से परिक्रमा करा के। और तब सबसे पूछ ले जे काठमांडू में उतारो कि दिल्ली ले जाओ, तो में सब यात्री कॉलेज जे काठमांडू जाए, तो काठमांडू में उतार देल के या वही ना है जनकपुर होते वाले। चाची, और लक्ष्य क्या है अब आगे? जनकपुर गलाई, मुक्तिनाथ गलाई, दामोदर कुंड गलाई, तब वाले घर। अच्छा, पूरा आपको जो मानसरोवर यात्रा था वो कैसा आपको लगा? ठीक है, बड़ा बढ़िया है, वहाँ जावा तब तो दूसरा दुनिया में आ गए। अच्छा, मतलब जाना चाहिए, मतलब जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं भोला बाबा के जी जी घर द्वार वो ही मानल जाए, पूरा अति साथ पूरा परिवार के साथ भोला बाबा विराजमान पहले छे, तो कोई पर्वत पर हमारा तोरा न जाए दे, लिफ्ट लागल है, लिफ्ट से बरसाती चढ़े छे, राय सरसो के जड़ी बूटी के बरसाती रहे छे, धान के बोला रहे छे, धतूर के पिया रहे छे। जी जी। आ वही में मन भेल तो कोनो कोनो प्रसादी अपन घर से ले गेल, वही में से मिला दे, आ लिफ्ट से चढ़ा के फिर दे जाए छे। अच्छा जी, अम्मा जी एक बात और बताइए, जब आप मानसरोवर यात्रा से वापस घर पे आए तो बीमार पड़ी या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ? नहीं नहीं, अब अच्छी बात है ना कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आज जो आप केदारनाथ यात्रा करने जा रही हैं, अभी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचा हुआ है मात्र, एकदम ना? तो कल आप चली हैं देवकुंड से? कल चल रही हूँ गौरीकुंड से। गौरीकुंड से,
अच्छा अच्छा आपको कुछ अच्छा आप केदारनाथ जा रही हैं, सुविधा कमी या कुछ लग रहा है कि सरकार को करना चाहिए? हाँ, यहाँ बहुत कमी है, बहुत कमी है। ना एको गो सेवा भंडारा देले है, ना एको गो रहे सहे के साधन देले है, ना ओढ़ना ना बिछाना ना ऑक्सीजन ना डॉक्टरी व्यवस्था कुछ के व्यवस्था। आप सरकार को कुछ बोलना है तो सीधा बोलिए सरकार को, कि आप मुख्यमंत्री को यहाँ के क्या बोलना चाहती है कि क्या करना चाहिए उनको, सीधा बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए कि लोगों को सुविधा हो, जो आपके मन में ना भाई। हमारा मोबाइल पर थोड़ा बोले। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब जो आपने बताया वो सब कमी है, उसको सही कर देना चाहिए ना। ऐसे ही पहाड़ सब है, ऐसे का नल जल रहती है, इन्हें सरकारी व्यवस्था रहती है, काउंटर रहती है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन चढ़ा देता, ऑक्सीजन के कमी होती तो मर जाते हैं। हाँ, ऑक्सीजन चढ़ाए वाला रहती है, खाए पिए के व्यवस्था रहती है, साधु संत की व्यवस्था अलग रहती है, व्यवस्था अलग रहती है, सब रख ले। चलिए, हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे कि ये सब कमी को पूरा किया जाए। केदारनाथ में बहुत कमी है, लेकिन कमी तो सरकार ना। चलिए चलिए, हम लोग आगे पहुंचाएंगे इस बात को, वीडियो को। अब आगे का, जब आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो इसके बाद घर जाना है कि इसके बाद भी कहीं? गंगोत्री जाओ। चलिए, गंगोत्री से बर्मोत्री जाओ, बर्मोत्री के बाद में बद्रीनारायण के साइड में पड़े जी भीम पत्थर, भीम पहाड़। अच्छा अच्छा, वही लग सरस्वती जी के धार निकलत, वही में स्नान करबे, जल लेबे तब जाबे। चलिए अम्मा जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों को बहुत ही जानकारी मिलेगी इससे। अब हम लोग केनहो न जाए के सप्ताह से हो गई, फ्रांस से चल गई है। फ्रांस भी चल गई? लंको चल गई थी पासपोर्ट से। अरे वाह, फ्रांस भी गई है अम्मा जी, बताइए। खाली बाकी रहलक, कहाँ बाकी है? यह केदारनाथ न आए लली। अच्छा अच्छा, चलिए, अब प्रभु की माया फिर से इमो चले। चलिए ठीक है अम्मा जी, फिर कभी मुलाकात होगी, देखिए।